हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर और आज मैं वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत पौधे से करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये पौधा मैं बहुत दिनों से खोज रही थी और किसी फ्रेंड ने मुझे ये पौधे बिना बताए मेरे लिए रख कर गए और मुझे इतनी खुशी हुई फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊं। तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया करती हूं। और मुझे सुबह सुबह उन पौधों पर नज़र पड़ा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं ना, जिस चाहत होती है जिस चीज़ की, वो अपने आप आपके पास आ जाते हैं। तो ये देखिए, मुझे मेरी मंजिल तक उस फ्रेंड ने पहुँचा दिया, बिना कहे मुझे ढेर सारे पौधे मेरे लिए रखे गए हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा जेट का प्लांट, इसे मैं लगा दी हूँ। यह देखिए और कितना खूबसूरत बोनसाई सा रूप लिए हुए है। और मुझे इस पौधे को देखकर बहुत ही खुशी हुई। मैं क्या कहूँ, मैं अपनी खुशी किस तरह से प्रकट करूँ फ्रेंड्स। और इसे मैं एक छोटे से पॉट में लगा दी हूँ, यह देखिए। और ये जड़ सहित है फ्रेंड। और यह देखिए, एक मेरा सिंगोनियम का भी पौधा उन्होंने दे के दिए गए हैं। यह देखिए, ये मटकी आप लोग को पहले भी मैं दिखाई थी और इसमें भी सिंगोनियम ही लगा हुआ था फ्रेंड्स, पर पता नहीं क्यों धीरे धीरे वो सूख गया अपने आप। पहले तो खूब घना और खूब बड़ा सा हो गया था। और ये तो ग्रीन वाला है, वो वाइट पत्ते वाला था फ्रेंड्स। यह देखिए, इस तरह के कलर थे उसके पहले, इस मटके में जो लगी हुई थी। तो मर गए। मरने के बाद ये पॉट को मैं बहुत दिनों तक खाली छोड़ दी। तो आज जब मैं सोची कि इसमें सिंगोनियम बहुत सुंदर लग रहा था इस पॉट में, तो फिर से मैं सिंगोनियम ही लगाऊंगी। और जब इस पॉट की मिट्टी मैं निकाल रही थी फ्रेंड्स, तो क्या बताऊँ, वो पत्थर और सीमेंट के तरह मिट्टी हो गए थे। शायद सूखने का भी यही कारण हुआ होगा। और मैंने अनुभव किया कि ये मेरी ही गलती के कारण हुआ। मैं रोड किनारे की मिट्टी लाई थी फ्रेंड्स, तो उस मिट्टी में चिकनापन था और वो पीली मिट्टी थी, और ऊपर से मैंने उसमें सैंड बालू मिला दिया, जिसके कारण वो पत्थर के समान हो गया। और बहुत हार्ड, बहुत मुश्किल से मैं उन मिट्टी को निकाली हूँ, फिर दूसरी मिट्टी और खाद का मिक्सचर बनाकर इसमें भरी हूँ और मैं इस सिंगोनियम को लगा दी। उस बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करती हूँ उस फ्रेंड का, जिन्होंने मतलब क्या कहें, बिना बताए मेरे लिए पौधे रख के गए। शायद एक दूसरे के बारे में हम लोग जान जाते हैं ना कि किनको किस चीज़ की ज़रूरत है या कौन इसकी सेवा अच्छी ढंग से कर सकता है। तो ये दो लगा दी हूँ फ्रेंड्स, एक ए सिंगोनियम, एक जेट का प्लांट, और उन्होंने ये मॉन्स्टेरा दिया है। और हालांकि मेरे पास मॉन्स्टेरा का है, लेकिन जब उन्होंने दिया है तो मैं फिर से इसे भी लगा दूँगी। और कुछ मनी प्लांट है, मैं फेंकूँगी तो कुछ भी नहीं, सभी को किसी न किसी पॉट में लगा दूँगी फ्रेंड्स। इधर भी इसी प्लास्टिक में था, इधर भी है। और यह देखिए, इसमें ये भी है, बेंड्रिंग जो भी है, तो ये भी पौधे मेरे पास हैं। फिर भी उन्होंने इतना प्यार से मुझे दिया है तो मैं इसे भी लगा दूँगी। और यहाँ थोड़ा गंदगी फैली हुई फ्रेंड्स, इसे इग्नोर कीजिएगा। और मैं अभी लगा ही रही थी तो सोची कि आप लोग को भी दिखाऊं। बस मेरी ये छोटी सी वीडियो है और छोटी सी कोशिश। जिन फ्रेंड ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। और जो बेल वाली बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाए। ओके, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।